दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रेंडिंग स्क्रीनर आप कैसे निकाल सकते हो, कि कौन कौन से स्क्रीनर को मोस्टली यूज़ कर रहे हैं स्कैनक्स डॉट ट्रेड में आके। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, स्कैनक्स डॉट ट्रेड में आके लॉगिन कर लेना है। देन यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट से करना है, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी डीमेट अकाउंट था देन में, इसलिए हमने लॉगिन कर लिया। अगर आपका भी है तो फिर आप लॉगिन कर सकते हो रजिस्टर नंबर से। और अगर आपका धन में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देन थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहीं पे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेंडिंग स्क्रीनर, ठीक है। तो इसमें क्लिक करना है हमें। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पर कहा जाए रियल टाइम, इंट्राडे, देन फंडामेंटल, देन यहाँ पर टेक्निकल, प्राइस एंड वॉल्यूम, देन कैंडलस्टिक। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो, जैसे कि इंट्राडे क्रॉसओवर, यहाँ पर देख सकते हो रियल टाइम इंट्राडे हमने सिलेक्ट किया। तो रियल टाइम इंट्राडे के अंदर कितने स्क्रीनर है, मल्टीपल 6 स्क्रीनर है एंड इन स्क्रीनर्स को ही लोग मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। इंट्राडे क्रॉसओवर, इंट्राडे सुपर ट्रेंड, इंट्राडे राइज एंड फॉल, इंट्राडे रिकवरी, देन यहाँ पर ओपन हाई स्टॉक्स, ओपन लो स्टॉक्स। तो ये कुछ गिने चुने स्टॉक्स, यानी ये कुछ गिने चुने स्क्रीनर है जिनको मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एक स्क्रीनर के ऊपर क्लिक करोगे ना यहाँ पर, तो पूरा का पूरा उसका स्टॉक्स का लिस्ट निकल कर आ जाएगा। देन उसके बाद कहा जाए तो फंडामेंटल के ऊपर, जैसे कि आप फंडामेंटल के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि पोटेंशियल मल्टीवेगर्स। तो यहाँ पर पोटेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस जो लोग कर रहे हैं वो लोग मोस्टली पोटेंशियल मल्टीपेकर का स्क्रीनर को मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। देन इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट वाला स्क्रीनर को यूज़ कर रहे हैं। देन कैपेक्स बूस्ट को यूज़ ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। देन है नियर जीरो वर्किंग कैपिटल को मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद अंडर वैल्यूड एंड न्यू हाई में क्लिक करके लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देन यहाँ पर माइटी मिड कैप को भी लोग मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। देन कहा जाए तो यहाँ पर टेक्निकल के ऊपर बात करें ना, तो यहाँ पर देख सकते हो गोल्डन, यहाँ पर क्रॉस ओवर, देन डेथ क्रॉस ओवर, ये दोनों मोस्टली यहाँ पर लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं। देन है मोमेंटम स्टॉक्स। तो मोमेंटम स्टॉक्स का भी अगर बात करें तो मोमेंटम वाला जो स्क्रीनर है वो भी लोग यूज़ कर रहे हैं। देन है सुपर, यहाँ पर कहा जाए तो सिक्विज, ठीक है, सिक्विजिंग रेंज नाम का एक स्क्रीनर है, इसको भी लोग यूज़ कर रहे हैं। देन है यहाँ पर रेजिस्टेंट ब्रेकआउट वाला जो स्क्रीनर है, यानी रेजिस्टेंट ब्रेकआउट किया है जितने भी स्टॉक्स ने, सारा आप यहाँ से फिल्टर करके निकाल सकते हो। देन यहाँ पर RSI ओवरबोथ जितने भी स्टॉक्स में हुआ है वो भी आप यहीं से क्लिक करके निकाल सकते हो, तो ये भी पॉपुलर है। तो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग स्क्रीनर निकाल सकते हो। देन है प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस एंड वॉल्यूम में कौन कौन से यहाँ पर स्क्रीनर मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं, अपर सर्किट का एंड लोअर सर्किट का, अपर सर्किट ब्रेकर्स एंड लोअर सर्किट ब्रेकर्स को यूज़ कर रहे हैं। देन है यहाँ पर अनयूजुअल हाई वॉल्यूम्स वाले स्क्रीनर को भी लोग यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल हाई वॉल्यूम्स वाले स्क्रीनर्स को भी लोग यूज़ कर रहे हैं। देन है 52 वीक हाई, यहाँ पर कहा जाए 52 वीक हाई को भी ब्रेकआउट किया है, ऐसे कौन कौन से स्क्रीनर है। यहाँ पर कहा जाए तो एक ही स्क्रीनर है, इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। देन 52 वीक लो ब्रेकआउट को भी यहाँ पर लोग मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, जो प्राइस एंड वॉल्यूम के अंदर आता है। देन है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में आप इस कैनेक्स डॉट ट्रेड में कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न को लोग मोस्टली यूज़ कर रहे हैं फिल्टर करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर 3 ब्लैक क्रोस, 3 व्हाइट सोल्जर, देन शूटिंग स्टार, देन हेमर्स, देन डार्क क्लाउड कवर्स, देन बोल एनगल्फिंग। ये कुछ यानी कहा जाए तो स्क्रीनर है जो मोस्टली लोग पॉपुलर कर रहे हैं, यानी मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से ये पॉपुलर हो रहा है। तो दोस्त है ना कमाल का चीज़, तो आप यही से ही ट्रेंडिंग स्क्रीनर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने धन में डीमेट अकाउंट ओपन करके रखा है तो डिस्क्रिप्शन में इस पर लिंक है, जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो।